वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इन दिनों भारत में आयोजित हो रहा है और 5 अक्टूबर से लेकर अब तक कई मुकाबले हो चुके हैं। हारने और जीतने वाली टीमों को अपने खेल के साथ कुछ गणित भी दिमाग में बैठा कर रखना होगी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरके और आप देख रहे हैं आरके फैक्ट्स। आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रहा हूं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की टीमों के बारे में कुछ रोचक बातें। दुनिया भर में करोड़ों दर्शकों की नज़रें फिलहाल इस बात पर टिकी हुई है कि 10 टीमों में से वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और इसके बाद फाइनल की भी बारी आएगी। टूर्नामेंट में 10 टीमें खेल रही हैं। सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना है, यानी एक टीम 9 मैच खेलेगी। अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो 7 जीत काफ़ी है। अगर कोई टीम 9 में से 6 मैच जीतती है तो ऐसे में अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमों में जगह बनाने की स्थिति पेचीदा हो जाएगी। अगर 2 टीमें ऐसी हैं जो टॉप 4 में जगह बनाने की दावेदार हैं लेकिन दोनों के अंक बराबर है तो ऐसे में सबसे पहले देखा जाएगा कि किसके खाते में कितनी जीत है। उसके बाद भी अगर देखना हुआ तो दोनों के नेट रन रेट का अंतर देखा जाएगा। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना है तो कम से कम 7 मैच जीतना जरूरी है। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल से लेकर विजेता तक की भविष्यवाणी क्रिकेट के एक्सपर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 4 टीमों की भविष्यवाणी की है। सचिन ने भारत को वर्ल्ड कप 2023 का प्रबल दावेदार माना है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को भी सचिन ने अपनी सेमीफाइनल की लिस्ट में रखा हुआ है। वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई में अंक तालिका की टॉप और 4th नंबर की टीम के बीच होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता में दूसरे और तीसरे नंबर की टीमों के बीच होगा। वैसे दोस्तों, इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? आई होप वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते। आप अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इंडिया जरूर लिखें। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।